दातारामगढ़ में भी लॉकडाउन के कारण समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान, फैक्ट्रीज, कारखाने और मजदूरी के सारे कार्य बंद हैं। इससे गरीब वर्ग के परिवारों को दो समय के खाने के प्रबंध के लिए भी काफी कठिनाई उठानी पड़ रही है। इस संकट की घड़ी में गरीब परिवारों की मदद के लिए दातारामगढ़ क्षेत्र में कई भामाशाह लगातार आगे आ रहे हैं और निरंतर इन परिवारों का सहयोग कर रहे हैं। इसी कड़ी में दाता कस्बे के युवाओं ने भामाशाहों के सहयोग से राम रसोई शुरू की है। इसके तहत युवाओं ने संकल्प लिया कि संकट की घड़ी में किसी भी गरीब परिवार में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। इनकी बनाई गई राम रसोई में सुबह शाम दोनों वक्त भोजन बनाया जाता है और सैकड़ों लोग को भोजन के पैकेट्स वितरित किए जाते हैं। कपड़ा व्यापार मंडल अध्यक्ष पवन कुमार शर्मा ने इस पर बताया कि क्षेत्र के युवाओं ने मिलकर ये बीड़ा उठाया है। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते हुए कस्बे के युवाओं ने एक बीड़ा उठाया है। राम रसोई हमने शुरू की है, जिसे हम जरूरतमंद परिवारों को समय पर खाना पहुंचा सके। सुबह और शाम दोनों समय हम बनाकर खाना लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जिससे कि जरूरतमंद की जरूरत पूरी हो सके। इस वर्ष हम यही कामना करते हैं कि ये कोरोना वैश्विक महामारी जो चल रही है, इससे सभी जनता को जल्दी से जल्दी निजात मिले।